जांच हम लोग का हो रहा है वो टोटल जांच जो आज तक हुआ है उसकी संख्या 7179 है, ठीक है, 7179 जांच टोटल आज तक हुआ है जब से हम लोग के यहाँ पे जांच स्टार्ट हुआ। ये फाइनल डाटा है, इसमें जो संक्रमित निकले हैं वो है 787, इसमें से 468 जो है उनका रिकवरी हो चुका है, निगेटिव हो चुके हैं, ये लोग अपने होम आइसोलेशन में इसमें से लोग भी थे, अभी तो सब लोग अच्छी स्थिति में है। रेस्ट जो लोग हैं वो संक्रमित जो अस्पताल है वहाँ पे 107 लोग रह रहे हैं, 169 लोग जो है, जैसा कि आप लोग को भी आइडिया होगा कि हम लोग होम आइसोलेशन में वैसे लोगों को रखते हैं जिनमें कोई सिम्टम नहीं पाया जाता है, मतलब उनको ऐसा फील हुआ कि उनको खांसी सर्दी बुखार फर्स्ट एड हुआ फील, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनके काफ़ी आसपास के लोग, उनके भाई उनके रिश्तेदार जिनसे कि वो सीधे संपर्क में थे और वैसा व्यक्ति संक्रमित हो गया, तो यदि उसके बाद उनका सैंपल हम लोग उठाते हैं डायरेक्ट हिस्ट्री में जो होता है तो, लेकिन उसमें से बहुत से लोगों के अंदर सिम्टम होते नहीं हैं, तो वैसे व्यक्ति की उनके पास सिम्टम नहीं है और साथ ही साथ उनके घर में रहने का स्पेस है कि वो सिंगल रूम में रह सकते हैं, तो उनको हम लोग सलाह ये देते हैं कि आप होम आइसोलेशन में ही रहिए, यदि उनकी इच्छा है तो। यदि उनको लगता है कि नहीं सर मेरा स्वास्थ्य जो है अस्पताल में ही अच्छा रहेगा, तो हम लोग अपने पास जो अस्पताल में हम लोग उन्हें 1000 बेड का इंतजाम के लिस्ट अभी हम लोग आपको दे देंगे कि हर एक जगह जैसे CHC गिद्धौर हो गया, सोनो हो गया, सिकंदरा हो गया, ITI हमारा हो गया, इन सभी जगहों पे हम लोगों ने उनके रहने के लिए और उनके भोजन का हर एक इंतजाम रखा हुआ है, स्वास्थ्य जांच का भी रेगुलर इंतजाम है, तो ये उनकी इच्छा के ऊपर है। यहीं से आ रही थी कि बहुत से लोग सिम्टमेटिक है लेकिन वो लोग अस्पताल में हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं लेकिन सैंपल उठाया नहीं जा रहा है और इसी कारण से वो उनका है संक्रमित या फिर सही है इसकी जांच नहीं हो पा रही है, तो हम लोगों ने इसका इंतजाम सोमवार से ही रखा है कि जो भी व्यक्ति को डाउट है या तो सिम्टमेटिक हो सकता है वो व्यक्ति, खांसी सर्दी बुखार सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, ये मेन चीज़ हो सकता है सिम्टमेटिक का, या तो उसका नज़दीकी व्यक्ति कोई संक्रमित पाया गया, रिपोर्ट आया कि संक्रमित है, तो यदि उसका कोई खास नज़दीकी व्यक्ति जिससे वो सीधा संपर्क में भी मतलब रहा है, यदि वो संक्रमित है या सिम्टमेटिक है तो वो अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जा कर के सैंपल दे सकता है, उसका रैपिड एक्शन जो हम लोग का है जाँच, उससे उसकी जाँच हो जाए। कोई व्यक्ति इस्लाम नगर का है तो यदि सिम्टमेटिक है वो तो उसको यहाँ पे हेडक्वार्टर अस्पताल में आने की आवश्यकता नहीं है, वो वहीं के अस्पताल में जाए, वहीं पे सैंपल दे, वहीं पे जांच रिपोर्ट ले ले, सिकंदरा अलीगंज हर एक जगह के लिए जो हमारे ब्लॉक 10 हैं हर एक ब्लॉक में सैंपल उठाने का इंतजाम है और वहीं पे जांच रिपोर्ट स्थानीय स्तर पर दे दिया जाए। तो 16 लोग आज भर्ती हुए हैं तो 107 लोग अस्पतालों में रह रहे हैं, अस्पताल में जो लोग रह रहे हैं हम लोग ऑक्सीमीटर रखे हुए हैं, सुबह शाम ऑक्सीजन का स्तर क्या है उनका हम लोग नाप रहे हैं, संभवतः आप लोग को भी आइडिया होगा कि यदि 95 से ऊपर ऑक्सीजन का स्तर है जो कि सामान्य आदमी का होता है तो फिर कोई इशू नहीं, यदि 95 से ऑक्सीमीटर में रिपोर्ट आता है डाउन हो रहा है तो फिर थोड़ा सा हम लोग को उनके लिए विशेष ख्याल रखना होता है उनको, यदि ऑक्सीजन का स्तर उनका 91 से भी घट रहा है तो फिर ऑक्सीजन सिलेंडर पे हम लोग रखते हैं, तो इसके लिए हर एक सेंटर आइसोलेशन सेंटर जो 10 हमारे हैं वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर का भी इंतजाम रखा गया है, और यदि सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई होता है उनको, और उसके बाद भी लगता है कि स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है
या फिर कुछ उनको, जैसे बहुत से रोगियों को देखा जा रहा है लंग्स में दिक्कत है, हार्ट में दिक्कत है, या कुछ सीवियर सपोज दिक्कत है उसको, तो फिर हायर सेंटर में हम लोग इलाज के लिए भेज रहे हैं। स्थिति है हमारे यहाँ पे, तो अभी तक डेथ हम लोग एक ही हमारे यहाँ पे हुआ है। आप लोग को भी आइडिया होगा या आप लोग के संज्ञान में होगा कि सर एक आध दो डेथ और भी हुआ है, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि जिस जगह पे उसका हुआ था जांच, वहाँ के डेथ में ही उसको रखा जाता है। तो आप लोग को आइडिया होगा कि एक ही डेथ हम लोग के यहाँ पे जो जांच हुआ था उसमें हुआ। कुछ लोग हायर सेंटर पे इलाज के लिए, हमारे यहाँ के ही लोग थे, सीधा हायर सेंटर पे वो मतलब रहे, तो उनका डेथ वहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो ये अभी तक हमारा हॉस्पिटल है यहाँ वाला, वहाँ पे आपको आइडिया होगा, अभी तक हम लोग यहाँ के अस्पताल में रोगी को रखने का इंतजाम नहीं रखते थे, लेकिन फिर हम लोगों को ऐसा आवश्यकता फील हुआ कि जो यहाँ के अस्पताल में सपोज आते हैं, उनको कोई दिक्कत है, तो यहाँ के लिए 20 बेड का अस्पताल का इंतजाम हो गया है, और आज उद्घाटन भी उसका मेरे लिए। लॉकडाउन आप लोग को आइडिया होगा 31 तक लॉकडाउन है, 31 के बाद की स्थिति अभी तक राज्य से स्पष्ट हुई नहीं है। और अभी आप लोगों ने भी देखा होगा लास्ट डे व्हाट्सएप पे एक ऑडियो, मतलब एक पूरा डिटेल गाइडलाइन वायरल हो रहा था, जिसके बाद में सरकार की ओर से स्पष्ट आया कि नहीं, ये जो है वो फेक लेटर है, तो उस पर यकीन नहीं किया जाए। तो अभी फर्दर उसका डिटेल अभी तक इंस्ट्रक्शन प्राप्त नहीं हुआ है, संभवतः आज रात तक हासिल हो हम लोग को, या फिर नेक्स्ट डे हासिल हो, उसकी सूचना हम लोग मीडिया को दे देंगे।